दोस्तों आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर आज हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, यानी फ्रेंड्स आज हम जो बात करने वाले हैं कि खेतों की नाप कैसे करें। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि खेतों से संबंधित जुड़े हुए हैं, किसानी करते हैं या तो जमीन की प्रॉपर्टी की खरीद या बेच करते हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि एक लाठी के माध्यम से, जिसे आप लाठा भी कहते हैं, कहीं कहीं से लग्गी कहा जाता है, तो आप उसके माध्यम से कैसे खेतों का क्षेत्र निकालेंगे। तो उदाहरण के माध्यम से, जैसा कि आपको एक खेत दिख रहा है, ये खेत आपकी जमीन है जो कि आपकी एक प्लॉट भी हो सकती है, या आप इस पे कोई खेती बाड़ी करते हैं, तो अगर उनकी नाप करनी हो तो आप कैसे करेंगे घर बैठे बिना लेखपाल पटवारी के सहायता से। तो आज पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप नाप सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं अभी तक, आपने अगर शायद प्लेलिस्ट जाके देखा हो, तो खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित सारा कुछ हम आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे कि खेतों का क्षेत्रफल है, हेक्टेयर में उसे बीघे में कैसे कन्वर्ट करें, बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये सारा कुछ आप आसानी से सीख पाएंगे अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। या कोई ऐसा टॉपिक जिससे आपको जानना है, आपको नहीं पता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है कि लाठे के माध्यम से खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें। जैसा कि आपको ये खेत दिख रहा है, अब इसकी हमें क्या करनी है, नाप करनी है। अब नाप जो करनी है वो लाठे से करनी है, और लाठे की लंबाई हम यहाँ पे लेंगे 99 इंच, क्योंकि लाठे की लंबाई जो है कि हर एक प्रदेश के लिए भी अलग अलग होती है। तो आप अपने लेखपाल या पटवारी से जरूर संपर्क करिएगा, अपने यहाँ का लोकल जो कि लाठे की लंबाई पता करें, नहीं तो आप डाटा गलत आपका आएगा। तो बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट भी करते हैं कि सर ये गलत है। गलत कुछ भी नहीं होता, जो भी मैं डाटा आपको प्रोवाइड करता हूँ 100% ओरिजिनल होता है और सही होता है। तो एक खेत को हम नापेंगे, और इस खेत की लंबाई है, पहले अगर हम बात करें इधर 30 फुट है, या 30 लाठा कहें इसको, क्योंकि लाठे में ले रहे हैं वैल्यू, तो ये 30 लाठा लंबा है और 20 लाठा क्या है, ये चौड़ा है। यानी खेत की लंबाई जो है वो 30 लाठा है और चौड़ाई कितनी है, 20 लाठा है। अब ये खेत है आयताकार, आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई, अगर आपने मैथ थोड़ी सी भी पढ़ी हो तो निश्चित रूप से ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि खेत का क्षेत्रफल जो कि आयताकार हो तो लंबाई गुणित चौड़ाई किया जाता है। तो 30 लाठा लंबा है और 20 लाठा चौड़ा, तो कुल क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 30 का 20 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 600 वर्ग लाठा। कितना निकल के आएगा, 600 वर्ग लाठा। अब एक बीघा जो खेत होता है, अगर हम बात करें एक बीघा खेत की, एक बीघा जो खेत होता है 20 लाठा लंबा और 20 लाठा चौड़ा हो, तो खेत जो होता है वो आपका कितना होता है, एक बीघा होता है, वो भी पक्का बीघा। अगर वही खेत अगर 5 लाठा लंबा हो और 4 लाठा चौड़ा हो, तो आपका जो खेत होता है वो एक बिस्वा होता है। वहीं अगर 1 लाठा लंबा हो और 1 लाठा चौड़ा हो, तो 1 वर्ग लाठा बराबर यानी 1 धूर कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल आप समझ गए होंगे कि अगर 20 लाठा लंबा है इधर, 30 लाठा लंबा है और 20 लाठा क्या है, चौड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो 600 वर्ग लाठा आएगा। अब एक बीघे की वैल्यू मैंने बताया आपको कि 400 वर्ग लाठा होता है, एक बीघे की वैल्यू कितना होता है, 400 वर्ग लाठा। तो 1 वर्ग लाठा की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, यानी 600 में आप 400 से भाग कर दीजिए। क्या करना है, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर निकालिए, और कैलकुलेटर में आपको क्या करना है कि जितना भी आपने क्षेत्रफल निकाला, जैसे हमने अभी निकाला 600 वर्ग लाठा, आपका जितना भी आ रहा है आप अपने हिसाब से करिएगा, आपका जो भी आएगा उसे आपको 400 से भाग करना है, यानी 600 में 400 से भाग करेंगे। जब 600 में 400 से भाग करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 1.5 बीघा, यानी 1 बीघा से ज्यादा है और 2 बीघे से कम। सिंपल, 1 बीघा 10 बिस्वा, यानी 1.5 बीघे की वैल्यू हो गई 1 बीघा 10 बिस्वा। अब ये कुल खेत का क्षेत्रफल आपका आ गया कितना, 1.5 बीघा। अब इसको आप चाहे डिसमिल में कन्वर्ट करें, चाहे आप इसको एकड़ में कन्वर्ट करें, इसको आप हेक्टेयर में कन्वर्ट करें, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको करना है इसमें एकड़ में चेंज करना है, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो एक एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है। एक एकड़ में कितना होता है, 1.6 बीघा।
तो सिंपल आपका जो वैल्यू निकल के आई 1.5 बीघा निकल के आई है, जो हमने खेत अभी नापा आपके सामने है ये कितना है 1.5 बीघा। अब क्या करना है, इसको एकड़ में कन्वर्ट करना है। तो 1.5 बीघा जो वैल्यू आई है उसमें आपको क्या करना है 1.6 से भाग कर देना है, यानी बीघे को एकड़ में अगर कन्वर्ट करना है तो टोटल आपको 1.6 से भाग करना है, बस कुछ भी मत करो। 1.5 में 1.6 का भाग करेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी एकड़ में निकल के आएगी, जो इसको वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.9375 एकड़। कितना निकल के आ रही है 0.9375। तो 0.9375 एकड़ जो जमीन आई है, अब इसको आप कर सकते हो डिसमिल में कन्वर्ट। अब डिसमिल में क्या होता है, डिसमिल एक प्रकार का खेतों का क्षेत्रफल निकालने की इकाई है, जैसे कि बहुत सारे राज्यों में इसकी वैल्यू चलती है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स भी लगातार कमेंट कर सकते हैं, करते हैं सर इस पर डिसमिल में बताइए कितनी वैल्यू आएगी। तो 0.9375 एकड़ को अगर आप डिसमिल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 एकड़ बराबर आपका जो होता है वो 100 डिसमिल के बराबर होता है। 1 एकड़ में कितना होता है 100 डिसमिल। ये डाटा आपको याद करना है, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि अगर ये डाटा आप याद कर लेते हैं तो आप आसानी से बिना किसी लेखपाल बिना किसी पटवारी के सारा कुछ आप निकाल सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आए। बशर्ते आप हमारे साथ जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप सीख भी पाएंगे। तो 0.9375 एकड़ जो जमीन है और 1 एकड़ में आपका 100 डिसमिल होता है। 1 एकड़ में कितना होता है 100 डिसमिल। तो अब सिंपल एकड़ की जगह आप क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से जैसे आप गुणा करते हैं तो वैल्यू आई थी कितना 0.9375। तो अब यहां पे वैल्यू आ जाएगी आपका 937, ठीक है 937.5 ये डिसमिल में आ जाएगी। तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं है इसमें, बहुत ही आसानी से आप खेतों का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, एकड़ में निकाल पाएंगे, बीघे में निकाल पाएंगे, डिसमिल में निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको एक बार रिव्यू बताता हूं, यानी क्या इसमें आपको करना था। आप अपने खेतों का क्षेत्रफल नापना था, लंबाई आपको नापनी थी, किसमें नापनी थी, लाठे से नापनी थी, और लाठे की लंबाई आपको रखना था 99 इंच या 8.25 फुट, ये लाठे की लंबाई होगी। और इस लाठे से आपको क्या लंबाई और चौड़ाई नापना है। अब उसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो फ्रेंड्स आपको कुछ करना नहीं है आपका खेतों का, जैसे कि अगर आपका खेत आयताकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, समलंब चतुर्भुज के आकार का है, तो ये सब खेतों का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल पाएंगे। बशर्ते आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, जैसे त्रिभुजाकार अगर खेत है तो उसका कैसे क्या फार्मूला होता है, आयताकार है, वर्गाकार है, समलंब चतुर्भुज के आकार का है, तो इन सब का क्या आकार का क्या फार्मूला होता है, अगर ये सारी चीजें पता है तो आप निश्चित रूप से सारा कुछ निकाल पाएंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा, हो सकेगा तो वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यही समाप्त करते हैं, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों तक कम से कम 10 लोगों के पास तो शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।